हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवेदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे दोस्तों कि डायबिटीज़ होने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार है और इस विटामिन की कमी के क्या क्या लक्षण हैं। और दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि इसकी कमी को, यानी इस विटामिन की कमी को कैसे पूरा करें। जी हाँ दोस्तों, आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि डायबिटीज़ की समस्या के लिए विटामिन डी की कमी सबसे मुख्य कारणों में से एक है। और एक रिसर्च ये बताती है कि भारत में लगभग 68% महिलाएं जो हैं विटामिन डी की कमी के कारण ही डायबिटीज़ के शिकार हैं। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि डायबिटीज़ की समस्या पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं को होती है, तो ये बात आपको ध्यान देनी चाहिए। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि शुरुआत में विटामिन डी की कमी शरीर में ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाती है। और ये स्थिति प्री डायबिटिक कहलाती है, यानी आपको डायबिटीज़ होने वाली है ऐसा डॉक्टर कहते हैं। लेकिन अगर ये विटामिन डी की कमी आपको लंबे समय तक बनी रहती है तो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, और ये बहुत खतरनाक बात है। मैं आपको बताऊं दोस्तों कि विटामिन डी की कमी से होने वाले लक्षण क्या हैं, यानी हम कैसे पहचाने कि हमें विटामिन डी की कमी हो गई है। तो दोस्तों इसका पहला लक्षण है कि हड्डियों में दर्द होना, बार बार बीमार होना, थकावट महसूस होना, चेहरे और हाथों में झुर्रियाँ पड़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, दिन में ज़्यादा नींद आना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और बिना कारण घबराहट होना। फिर दोस्तों ये भी जानिए कि विटामिन डी की कमी होती क्यों है, क्या कारण है। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप धूप में निकलने से परहेज करते हैं, रोज़ाना दूध का सेवन नहीं करते, और अगर आप शुद्ध वेजिटेरियन हैं यानी बिल्कुल भी नॉन वेज नहीं खाते, किडनी की समस्या अगर हो रही है तो, और अगर आप मोटापे के शिकार हैं, तो ये सभी वो कारण हैं जिसकी वजह से आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब जान लेते हैं दोस्तों कि सोर्सेज क्या हैं विटामिन डी के। जी हाँ दोस्तों, डायबिटीज़ से बचना है तो आप क्या क्या खाएँ, तो उसके लिए अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए सबसे शानदार सोर्स है फ़िश खाना, यानी मछली खा सकते हैं आप। उसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हैं तो गाय का दूध, पनीर, दही, मक्खन, छाछ, गाजर, सोया प्रोडक्ट्स होते हैं जो, मशरूम और मखाने आदि में विटामिन डी की अच्छी खासी मात्रा पाई जाती है दोस्तों, तो आपको इन्हें ज़रूर खाना चाहिए। फिर मैं आपको बताऊं दोस्तों कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सूरज की रोशनी। जी हाँ दोस्तों, सनलाइट में आप 15 से 20 मिनट अगर आप बिता देते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी डोज मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको तीन कैटेगरीज में विटामिन डी की सोर्स बताई है। इसमें ग्रेट सोर्स ऑफ विटामिन डी हैं सैल्मन, टूना और ट्रॉट फिश, और अच्छी सोर्स हैं, गुड सोर्स हैं काऊ का मिल्क है, फिर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं कुछ और मशरूम। फिर दोस्तों कम अमाउंट में यानी कुछ मात्रा में जो विटामिन डी है वो मार्गरीन, योगर्ट और एग योक में और कुछ जूसेस में भी पाया जाता है, तो आप देखिएगा। फिर दोस्तों अब जान लेते हैं कि डायबिटीज़ से बचने के लिए और क्या कर सकते हैं आप। तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि मोटापे के कारण भी डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ा रहता है, इसलिए दोस्तों जितना हो सके उतना वज़न को नियंत्रित रखें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारा नाम है बायोवेदिक्स। थैंक यू।